फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। पिछले 24 घंटे में 39 लोगों को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आना इस बात का संकेत है कि पानी सर के ऊपर तक आ गया है। लगातार संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बीते दिवस रिकॉर्ड 25 लोग संक्रमित पाए गए और आज 14। इस तरह पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा 39 होते हुए मेरठ जिले में संक्रमितों की संख्या 155 हो गई है। गंभीर बात यह है कि 24 घंटे में जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें अधिकांश लोग सब्जी फल व्यवसाय से जुड़े हैं। समझा जा रहा है कि इनमें से संक्रमित कुछ लोगों ने सब्जी व फल के रूप में कोरोना पता नहीं कहाँ कहाँ तक बांटा होगा। ऐसे में अब जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि अब जितने भी ताजे मामले सामने आ रहे हैं उनका कहीं ना कहीं सब्जी मंडी से कनेक्शन है। बीते दिवस जिन 25 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उनमें से 12 लोग सब्जी मंडी दिल्ली रोड से जुड़े हैं। दरअसल लॉकडाउन के पहले दिन से ही दिल्ली रोड स्थित सब्जी मंडी व फल मंडी में भीड़ कभी छटने का नाम नहीं ले रही है। कोटला का भी बुरा हाल रहा है। अब लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन की खासी फजीहत के बाद सदर व कोटला को बंद कर दिया गया, लेकिन दिल्ली रोड पर अभी भी बुरा हाल है। शुक्रवार की रात स्वास्थ्य विभाग ने सब्जी विक्रेताओं के सैंपल लिए थे, उनकी जांच रिपोर्ट रविवार की देर रात आई तो सभी में हड़कंप मच गया। आज गनीमत यह भी रही कि प्रदेश की तर्ज पर मेरठ में शराब की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया था। बाकी जहां भी आज शराब की दुकानें खुली वहां भीड़ ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। जान की परवाह न कर लॉकडाउन को लोगों ने भले ही ताक पर रख दिया हो, लेकिन माना जा रहा है कि एक ही दिन में प्रदेश सरकार को 100 करोड़ रुपए का राजस्व का फायदा हुआ है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी होना बाकी है। मेरठ के ताजा हालात को देखते हुए लोगों के बीच ही शहर में कर्फ्यू लगाने की मांग उठने लगी है। हालांकि इसका फैसला जिला प्रशासन को ही लेना है। मेरठ में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। समझा जा रहा है कि देर रात तक अथवा सुबह तक संक्रमित लोगों का आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। इस बीच आज दोपहर शारदा रोड पर न्यू जय हिंद गली में एक ही परिवार के 3 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम कोरोना के लक्षण पाए जाने पर अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि यह भी सब्जी विक्रेता ही है और पूल टेस्टिंग के दौरान उसका सैंपल लिया गया था। पिछले 2-3 दिन से गढ़ रोड स्थित आनंद हॉस्पिटल को सील करने की खबरें भी उड़ रही थी। आज अस्पताल प्रबंधक मुनेश पंडित ने बताया कि 29 अप्रैल को गोली लगे एक मरीज जावेद का ऑपरेशन किया गया था। इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ओटी आईसीयू पैथोलॉजी को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है, जबकि बाकी सुविधाएं चालू हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।